हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर में हम वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। आज वर्कशीट 1 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों किया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही करना है, सेम कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन। तो पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पाथ ऑफ 1 मीटर वाइड। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन का, आपको बुक में भी लिखा हुआ है, आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, या फिर यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है, कहीं से भी देखो। ए पाथ ऑफ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट इनसाइड अ स्क्वायर पार्क। तो एक स्क्वायर पार्क है बच्चों, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर पार्क के अंदर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ भी अंदर ही लिखा हुआ है। देखो, इनसाइड स्क्वायर पार्क के अंदर, ध्यान समझना, ठीक है। एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क के अंदर क्या हुआ है, 1 मीटर वाइड 1 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर बना हुआ है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, डिटो वही कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ आपको कॉस्ट निकालना है और कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट, बट वहां पर रेक्टेंगल गिवन था, यहाँ पर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो हम पहले साइड वहां पर स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये रहा हमारा स्क्वायर, तो यहां हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों, हमने यहां पर स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, ये जो हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, इसका हम नेमिंग दे देते हैं, ठीक है। इसका नेमिंग दे लो, ए बी सी और डी। तो ए बी सी भी जो है हमारा, वो क्या है, हमारा स्क्वायर पार्क है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर पार्क है, ये हमारा स्क्वायर पार्क है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्क्वायर पार्क। अच्छा, स्क्वायर पार्क के अंदर क्या हुआ है, स्क्वायर पार्क के अंदर, स्क्वायर पार्क के अंदर क्या हुआ है ना, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा अंदर है, ठीक है, अंदर। तो अंदर यहां पर हम ड्रॉ कर लिए, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया, सब समझ रहे होंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो 1 मीटर चौड़ा है ना, ठीक है, इसको 1 मीटर चौड़ा कर लेते हैं, 1 मीटर वेट, 1 मीटर, तो ये है 1 मीटर, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर। जैसे मैंने आपको समझाया था, ये जो 1 मीटर है, ये हर जगह है, यहाँ पर भी, कहीं पर कहीं भी लाइन, इसके अंदर कहीं भी लाइन, तो आपको 1 मीटर ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। बस यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर के यहाँ पर क्या किया मैंने, देखो उसका साइड, जैसे आपको पता है स्क्वायर का सारे साइड इक्वल होते हैं यहाँ पर, तो 30 मीटर जो यहाँ लॉन्ग बोल रहे हैं ना साइड, एबीसीडी स्क्वायर है, इसका साइड है 30 मीटर, तो सारे साइड होंगे 30 मीटर। ये चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मीटर सबका है, यहाँ पर देखो 30 मीटर, यहाँ इसका भी है, ये साइड भी 30 मीटर है, ये साइड भी 30 मीटर है, यहाँ पर भी 30 मीटर है, और यहाँ पर भी 30 मीटर है, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, तो अंदर का जो फिगर है वो भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, तो अंदर का तो हम एरिया निकाल देंगे, क्योंकि साइड इंटू साइड करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। बाहर रेक्टेंगल, जो बाहर रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, स्क्वायर, बाहर का जब स्क्वायर जो है, एबीसीडी जो स्क्वायर है, बड़े जो स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर, उसका एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई करोगे आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। रहा सवाल, जो छोटा स्क्वायर है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका तो हमें साइड नहीं पता है, तो हमें साइड एक्चुअली पता ही है कैसे। देखो कि मैंने बताया था ये 1 मीटर क्या है, विड्थ है उसका, तो हमें एरिया पार्क निकालना है, तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, छोटा रेक्टेंगल, उसका हमने नेमिंग नहीं दिया बच्चों, इसका नेमिंग हम दे देते हैं। इसका नेमिंग मिलो बच्चों कितना, ये हो गया आपका ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच। तो आपको समझाने की जरूरत है, आपको सबको पता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, पहले हम क्या निकालते हैं, पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, इसका ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ मतलब क्या, साइड ही निकालो, इसका तो लेंथ वेंथ है नहीं, इसका सब तो साइड ही है, क्योंकि ये जो अंदर का होगा वो भी एक स्क्वायर ही होगा। हम नेमिंग से बात करते हैं, हमें पहले ई एच का मेजरमेंट निकालना है, तो हमें ईएच का मेजरमेंट कैसे मिलेगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से जैसे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर मैं देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 1 मीटर है, तो यहाँ भी ऊपर भी आपका 1 मीटर है, तब काम करो, इसको क्या करो, यहाँ से 1 मीटर हटा दो, फिर यहाँ से 1 मीटर हटा दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका, 30 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से आपने 1 मीटर यहाँ से हटाया, या 1 मीटर यहाँ से हटाया, तो कितना हो गया बच्चों, तो आपने टोटल कितना हटाया, 2 मीटर हटाया, तो ये जो यहाँ से लेकर 30 तक है, तो 2 मीटर हटाने से कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 28, तो ये हो गया आपका 28 मीटर, ठीक है। वैसे तरह बच्चों ई एफ भी उतना ही होगा, 28 होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से 1 मीटर हटाओ, यहाँ से 1 मीटर हटाओ, कितना हो जाएगा, ये वाला भी आपका 28 मीटर ही होगा, दो माइनस करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये कैसे मैं किया समझ में नहीं आया, तो जाके पार्ट 1 वीडियो देखो,
ये क्वेश्चन नंबर वन भी देखो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने लाइन ड्रॉ करके समझाया है चीजों को, ठीक है। अच्छा तो यहाँ हमें मिला 28 मीटर 28 मीटर, बड़ा जो स्क्वायर उसका भी हमें 30 मीटर 30 मीटर सारा हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा अब हमें इसका एरिया निकाल लेना है। हमें यहाँ बोला है ना एरिया ऑफ पाथ निकालना, यहाँ पे देखो फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, तो हमें यहाँ बोला गया है एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालता है ना, हम क्या कर देंगे एबीसी जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया निकालेंगे और ई एफ जी एस जो छोटा स्क्वायर है उसका एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, ध्यान से देखो। यहां मैं लिखूंगा हियर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए, हियर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर हैविंग साइड, साइड ही लिखो, साइड ए बी, साइड ए बी इक्वल टू 30 मीटर, और जो हमारे जो साइड है साइड ए बी हो गया, एक ए डी ले लो कोई भी ले लो, और एक साइड है हमारा, साइड लिखो सिर्फ, कुछ दिखने की जरूरत नहीं है, और अब लेना चाहो सिर्फ साइड लिखो, ए बी लिखो तो और एक लिख दो क्योंकि ये जो होगा ये होगा, लिख दो या नहीं तो लिख दो, ए बी लिखो और ए डी लिखो नहीं तो, ठीक है। और एक साइड यहाँ पर लिख देगा ए डी, सेम ही तो होगा, ठीक है। अच्छा तो एरिया निकाल दो, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू साइड इंटू साइड, फॉर्मूला जो है हमारा साइड इंटू साइड, तो साइड क्या है हमारा ए डी, ए डी पर लिखो ए बी इंटू ए डी, कुछ भी आगे पीछे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों हो गया 30 मीटर इंटू 30 मीटर, इसका आंसर कितना निकला बच्चों 900 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया 900 मीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा जो क्या है बच्चों देखो ई एफ जी एच है ना, देखो ई एफ जी एच हम लिखेंगे ई एफ जी एच इज ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखो नीचे जगह सोइंग द इंटरनल बाउंड्री ऑफ द पाथ, सोइंग द इंटरनल बाउंड्री ऑफ द पाथ ई एफ जी एच, उसका एरिया निकालना है। यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल ई एफ जी एच, सॉरी सॉरी रेक्टेंगल लिख दिया, स्क्वायर है ना ये, ई एफ जी एच एरिया ऑफ इनर स्क्वायर कितना हो गया निकाला एरिया, कैसा निकलेगा वही साइड इन साइड, यहाँ पर हैविंग लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर लिखता है हैविंग, ये जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था हैविंग साइड EF that is 28 meter और EH ये भी 28 meter है, यहाँ पर लिखो साइड टू साइड मतलब EF into EH कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 28 meter, ये हो गया 28 meter, तो कितना 28 को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे 784 निकलेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ, यहाँ पर है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी ये रहा, और एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच ये रहा हमारा, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच, ठीक है उसको माइनस कर बच्चों, एबीसीडी कितना है हमारा 900 मीटर स्क्वायर, माइनस करोगे कितना 784 मीटर स्क्वायर, माइनस करो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा, इतना करने पर इसको हम रब करेंगे फिर हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। वैसे लिखा जैसे मैं लिख रहा हूँ लिखते जाओ चलो, ठीक है। तो कितना होगा उसको माइनस करो बच्चों, कितना जाएगा 900 से कितना हो गया, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 9, 9 से 116 होगा, ठीक है। देखो ना यहाँ पर कैरी हो गया, ये 6 हो गया, या फिर आप इसको उल्टा वैसे कर सकते हो, प्लस करके 6 4 10 कैरी 1 8 1 9 10 कैरी 1, तो यहाँ पर 7 1 8 9 हो गया 116, तो 116 मीटर स्क्वायर ही ये निकला हमारा एरिया ऑफ पाथ। यहाँ पर लिख दो देयरफॉर करके एरिया ऑफ पाथ इज
116 मीटर स्क्वायर। यहां तक सब लिख लो, मैं इसको रब करूंगा फिर मैं और स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टिंग जो ये लिखा है ना अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसमें एरिया पास हमारा निकला 116 मीटर स्क्वायर। इसको हमने लिख लिया, अब मैं हट जाता हूँ, आप देख लो इसको, अब लिख लो पहले, हो गया। अच्छा ठीक है, इसको हम रब कर लेते हैं। देखो तो हमारा यहां पर निकला है एरिया ऑफ पाथ, तो हमारा जो एरिया ऑफ पाथ जो निकला है 116 मीटर स्क्वायर निकला था हमारा, ठीक है। अच्छा तो हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन को, उसको जो पाथ है उसको कंस्ट्रक्टिंग करना है, कितना रेट कितना दिया, देखो 770 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ₹70 per meter square, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ पहले, ₹70 per meter square। यहाँ पर जो लिखा हुआ इतना जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो इतना जो यहाँ पर लिखा हुआ है पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1 meter square, ठीक है। 1 meter square लिखना जो है ये पर मीटर स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा है उसका मतलब भी वही है, यहाँ तक समझ जाओ। इसका मतलब ऐसे मैं समझ सकता हूँ, 1 meter square को ₹70, इसका मतलब क्या हो गया 1 meter square को कितना रुपया लग रहा है, ₹70 लग रहा है, यही है ना, ये कॉन्सेप्ट है ना, 1 meter square को ₹70 लग रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। 1 meter square को 1 meter square में कितना खर्चा हो रहा है, ₹70 खर्चा हो रहा है, तो हमारा एरिया कितना निकलता है, एरिया पास कितना है 116 meter square, तो बस 116 meter square कैसा निकलेगा, बस को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल से बात है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सपोज बच्चों आप मार्केट जाते हो, तो सपोज आप वेजिटेबल खरीदने जाते हो, ध्यान समझना मैं बोलता हूँ, आप वेजिटेबल खरीदने जाते हो मार्केट में, घर में आपको बोले हैं जाके खरीद के लाओ 2 kg 3 kg, जितना आप कितना आप मतलब सब समझ लो, आप वेजिटेबल मार्केट जा रहे हो, पोटेटो खरीदने के लिए जा रहा हूँ, सपोज आप आलू खरीदने के लिए जा रहा हो मार्केट में, तो आलू का जो रेट है वो कैसे आपको पता चलेगा, वहां पर आप जाते हो वो बोलता है, वो कैसे बोलेगा, वो बोलता है ना मार्केट वाले में बोलेंगे कि मतलब 1 kg का प्राइस इतना है, हमेशा वो 1 kg का ही बोलेंगे, क्योंकि आपको कितना आलू या फिर कितना पोटेटो आपको लेना है वो उस वेजिटेबल वाले को नहीं पता कि आप कितना आप लेने वाले हो, 2 kg 3 kg 4 kg या 10 kg, अब कितना वो कि मतलब आप कितना लेने वाले हो पोटैटो उसको नहीं पता है, ठीक है। तो वो एक रखेगा फिक्स रेट, एक रेट को बोलते हैं रेट। अब आप भी वहां पर मार्केट में अगर जाओगे बच्चों तो क्या पूछते हो उससे कि भैया कितना रुपए का है, कितना रेट चल रहा है, आप ऐसे पूछते ना कितना रेट कितना है, तो बोलते हैं भैया वो हमेशा 1 kg का एक बोलेंगे, 1 kg का 20 रुपया, 10 रुपये kg, ऐसे बोलते हैं ना कोई 10 रुपये kg 20 रुपये kg। आप कुछ भी खरीदने जाते हो, टमाटो हो गया या फिर आपका पोटैटो हो गया, कुछ भी खरीदने आप मार्केट में जाते हो बच्चों, तो वो रेट एक बोलता है 1 meter square, वो 1 meter square मतलब इसका है, ठीक है उसका नहीं है, तो वो क्या बोलता है ना 10 रुपये per kg बोलता है या 20 रुपये per kg, ठीक है। आप कभी बाहर में कोई मतलब शॉपिंग मॉल में भी जाते होंगे, कोई फ्रे मतलब वेजिटेबल का जो शॉपिंग जो होता है, जो जैसे कोई भी मतलब हो गया वेजिटेबल मार्केट का जो मॉल होता है, वहां पर जाते हो तो वहां पर लिखा होता है ना पर केजी इतने रुपए का, वो एक रेट होता है, तो कहीं भी है, तो यहाँ पर क्या ₹70 per meter square, वो बोल दे कि 1 meter square को 7 rupees, ठीक है 1 meter square को 7 rupees, तो एक स्टैंडर्ड रेट होता है, इतना इतने का इतना होता है। जैसे आप एक खरीदने जाते हो, अंडे खरीदने जाते हो, तो अंडे में क्या होता है वो दर्जन, एक दर्जन का इतना रुपया लोग बोलते हैं, तो उनका रेट होता है जो कि फिक्स होता है हमेशा, वो क्या होता है एक क्वांटिटी के अंदर होता है वो, तो उसी तरह जैसे आपको 10 रुपये per kg 20 रुपये per kg एक रेट होता है, तो यहाँ पर भी रेट गिवन है कितना 70 per meter square, इसका मतलब होता है कि 1 meter square को यहाँ पर 1 meter square को ₹70 लगता है, उसका रेट रखा है। अब आपको कितना एरिया आपका पाथ कितना है, अब कितना एरिया ऑफ पाथ को कंस्ट्रक्टिंग करना चाहते हो उसको तो नहीं पता है ना, जहां पर आप जाते हो उसको बोलने के लिए हाँ भाई मुझे मैंने एक पाथ बनाया है उसका पाथ को आपको कंस्ट्रक्टिंग करना है, तो वो बोले कि देखो भैया हम इतना रेट लेते हैं, हम कितना लेते हैं, हम 1 meter square को ₹70 लेते हैं, आपका पाथ जो आप बनाए हो, आप जो गार्डन बनाए हो, आपका जो पाथ है वो कितना है बताओ मुझे, हमारा रेट ये चल रहा है, हमारा ये रेट है 1 meter square को हम 70 रुपये लेंगे, कौन बोल रहा है वो जो आप जिसके पास गए हो बोलने के लिए कि हमारा एक पार्क है हमें मतलब उसका पाथ को आपको कंस्ट्रक्टिंग करना है, तो वो जो आदमी जो होगा जो बनाता है पार्क का जो मतलब कंस्ट्रक्टिंग करता है वो बोलेगा हमारा भाई रेट ये चल रहा है कि एक मीटर ये रेट हमारा चल रहा है 70 per meter square, मतलब 70 per meter square का मतलब होता है 1 meter square को इतना रुपया लेगा वो, उसका ये रेट है। तो आपका एरिया है कितना, एरिया पाथ है कितना 116 meter square, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों तो 116 meter square हमारा एरिया है, तो उसके हिसाब से वो कितना रुपये हमसे चार्ज करेगा, हम सिंपल से बात करो तो
70 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते 16 के साथ, तो इतना अंतर चार्ज करेगा। जब एक का इतना है, एक का इतना है, तो इतना का, यहाँ पर एक का दिया है अधिक का पूछ रहा है, आपको पता है कैसे करना है, प्लस 4-5 में पढ़े होंगे, एक का दिया अधिक का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ये हो गया आपका 0, इसका मल्टीप्लाई 7 × 6 = 42, 4 हो गया 7, 4 ये हो गया आपका 1, कैरी 1, ये 8, 8120, तो ये हो गया आपका आंसर ₹8120, तो 8120 आपका हो गया प्राइस। इसका मतलब वो आपसे इतना रुपए चार्ज करेगा, ठीक है, अगर आया आपके गार्डन में, आपके गार्डन में आया अगर रास्ता बनाने के लिए, तो कितना रुपए चार्ज करेगा, इतने रुपए चार्ज करेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, इतने रुपए वो चार्ज करेगा। तो ये बहुत इजी सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, इसे कॉस्टिंग के ऊपर बहुत अच्छे से सवाल है आपके बुक में, कराऊंगा चिंता मत करो, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। आप कुछ बोला सर इसका आप स्टेटमेंट नहीं लिखते थे, स्टेटमेंट लिख लो ना, द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लिख दो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹70, द कॉस्ट ऑफ 160 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹, यहाँ पर 70 × 160 दैट इज ₹8120, ठीक है, 8120। समझ में आ गया, पैसे को स्टेटमेंट लिख लेना, आपको आता है लिखना मुझे पता है, तो मुझे बस समझाना था, समझ गया आप, ठीक है। तो एरिया हमने पाथ निकाला, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, उसका हम कॉस्ट निकल गया। तो यहाँ तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बताओ मुझे वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल का सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के वीडियो को मिलते रहे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसी तरह बच्चों इसी मतलब व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा, पेरीमीटर एरिया का जितना भी जो टॉपिक है बच्चों, मैं सब इस पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, और जो रिमेनिंग चैप्टर जो हमारे चल रहे क्वेश्चन, उसको हम एज इट इज उससे ही करेंगे, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि हम एज इट इज वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग में बोला था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था, तो फिर से बोल देता हूँ कि हम व्हाइट बोर्ड पे ही करेंगे पेरीमीटर एरिया का, जो बाकी का जो क्वेश्चन होगा मतलब अलग मतलब जो चैप्टर्स जो होंगे उसका हम एज इट इज जैसे हम करके आ रहे थे लैपटॉप में, वैसे ही आपको लैपटॉप में करूंगा। आप मुझे बताओ आप कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पढ़ाने से आपको थोड़ा और मतलब इजी होगा समझने के लिए चीजों को, मुझे और भी कुछ सेफ दिखे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपको कुछ भी दिखाना चाहता हूँ, एक टेबल क्लॉथ का एक एग्जाम्पल आपको देखो समझाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर मुझे चीजों को ऐसे ही मतलब दिखाना है प्रैक्टिकल वर्ग में, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बोर्ड पे ही इसको मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, और जो बाकी का वैसे ही चलेगा लैपटॉप पे, ठीक है। चलो तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तब तक के लिए बाय।